असलम एवरी वन होप यू आर डूइंग वेल सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड मॉइस्चराइजर तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं तो मैं लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी क्यों है मॉइस्चराइज़र जो है वो हमारी स्किन के ऊपर काम क्या करता है बेनिफिट्स ऑफ मॉइस्चराइज़र नंबर वन मॉइस्चराइजर एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है आपकी स्किन को हेल्दी करता है हाइड्रेट करता है एक्नी प्रॉन्स स्किन के लिए बहुत अच्छा है ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है आपकी स्किन को नरिश करता है इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी उसके बाद प्रॉपर वे में आपकी जो स्किन जो है ना वो हेल्दी हेल्दी हो रही होती है उस चीज़ को जो है वो आपकी स्किन को हेल्दी करता है ठीक है सीधा ईजीएसट वे अगर आप अपनी स्किन की जो है वो केयर करना चाहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट में एक अच्छी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो है मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइज़र के बगैर जो है वो आपकी स्किन केयर कंप्लीट नहीं होती आप मत लगाएं महंगे महंगे सीरम आप एक अच्छा फेस वॉश ले लें क्लिनर ले लें ले, और एक मॉइस्चराइज़र ले लें सन ब्लॉक ले लें एंड दैट सीट ये सारे मॉइस्चराइजर जो है ये मैंने टेस्ट किए हुए हैं पिछले डेढ़ साल में ठीक है तो वन बाय वन करके जो है ना वो मैं इनको डिस्कस करती हूँ और आपको बताती हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट ये डरमाइफ़ का है इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ बाकी सारे भी जो है वो मैं अभी आपको वन बाय वन करके जो है ना वो डिस्कस करके बताती हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले जो है मैं ये आपको दिखाती हूँ शाइन का क्लिनजर मॉइस्चराइज़र ये डेली मॉइस्चराइज़र डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है ठीक है ये डर्माटोलॉजी टेस्टेड है ऑयल फ्री है उसके बाद नॉर्मल कंबिनेशन स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं मेरी ऑयली स्किन है मैं भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ ठीक है ये सारी जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है एस पी एफ जो है वो इसका ट्वेंटी है आप इसको देख देख सकते हैं इस तरह से इसकी पैकेजिंग है लेट्स ग्लो टुगेदर इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके अंदर कितना है हंड्रेड एम एल प्रोडक्ट है आई थिंक इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ठीक है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये इधर पीछे लिखी हुई हैं आप तो यहाँ से भी देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके इसका यूज और इसका यूज़ और एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देती हूँ आप इसको देख लें ठीक है ये अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मॉइस्चराइज़र कैसे है अगर आप लो बजट में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहते हैं तो आप इसको जो है ना वो बाय कर लें ये आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा डेली बेसिस पे मैंने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करके देखा है ठीक है ये आपको फोर हंड्रेड समथिंग में ये मिल जाएगा और इसका टेक्स्चर जो है वो ज़रा क्रीमी टाइप है उसके बाद हम बात कर लेते हैं डव की ये जो है मैंने इसको यूज़ किया है डीप मॉइस्चराइजिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है ठीक है और इस तरह से इसकी जो है वो पैकेजिंग है सारी ये जो है ना ये ज़रा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र जैसे हम बे क्रीम या फेयर लवली की क्रीम लगाते हैं ना ये कुछ उस टाइप का मॉइस्चराइज़र है और ये मॉइस्चराइज़र जो है ये मेरी स्किन को थोड़ा सा जो है ना वो ड्राई कर देता है तो मैंने इसको जो है मिड मॉ फुल गर्मी में भी यूज़ करके देखा है मिड मौसम में भी यूज़ करके देखा है विंटर में भी यूज़ करके देखा है इसका सेम रिजल्ट होता है मेरी स्किन पे इवन कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो इस तरह से इसका जो है वो कुछ टेक्सचर है और ये मेरी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा है और ऑयली स्किन होने के बावजूद ये मेरी स्किन को थोड़ा सा जो है वो ड्राई कर देता है बाकी इसकी फ्रेगरेंस वगैरह सब कुछ ठीक है उसके बाद एफ़ डब्ल्यू ऑर्गेनिक्स का ये है मॉइस्चराइजर ये डीप हाइड्रेटिंग जेल है ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है बाकी जो पहले मैंने दिखाए हैं आपको वो एक तो थोड़ा सा आ, लिक्विड ही क्रीमी टाइप था और दूसरा जो था डव का वो तो बिल्कुल क्रीमी टाइप था जैसे क्रीम होती है ये हंड्रेड एम एल प्रोडक्ट है और ये टोटली जेल बेस्ड है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है ड्राई स्किन वालों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी स्किन को जो ना ये थोड़ा सा टाइट कर देता है ये इसकी पिंकिश टोन थी बिल्कुल ये थोड़ा सा ऑयलिश सा हो गया पड़ा पड़ा क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था शायद इसलिए ऐसे हो गया फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल अभी भी वैसे ही है जैसे स्टार्टिंग में थी बाकी बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया फिर मैंने इसकी एक्सपायरी देखी थी एक्सपायरी अभी काफ़ी एक साल रहता है एक्सपायर होने में तो ये जेल बेस्ड है इसके अंदर ये थोड़े छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है ये आपकी स्किन को थोड़ा सा जो है ना ये टाइट कर देगा बाकी अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है अगर आपकी स्किन ऑयली है आप जेल बेस्ड में कुछ चाहते हैं तो आप इसको जो है ना वो बाय कर सकते हैं उस ये मैंने ऑफ पे लिया था सीरियल्स लगी हुई थी अदरवाइज थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं डब्ल्यू ऑर्गेनिक्स की उसके बाद निविया सॉफ्ट जो है ये मैंने छोट छुटकू सा लिया था कि टू हंड्रेड समथिंग में आई थिंक मुझे मिल गया था और ये मैंने इसको हैंड एंड फेस पे भी यूज़ किया है फेस पे भी यूज़ किया क्योंकि सर्दियों में मुझे ना मेरी स्किन थोड़ी इचिंग करती है थोड़ी ड्राई ड्राई हो जाती है गर्मियों में बहुत ऑयली हो जाती है तो फिर मैंने ये ट्राई किया था ये काफ़ी अच्छा था और ये हिमालय वाला भी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये इसको मैंने बेसिकली फ़ेस पे यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने इसको अपने हाथों पैरों पे काफ़ी यूज़ किया और मुझे उसके रिज़ल्ट जो है ना ये काफ़ी अच्छे मिले थे तो ये भी अच्छा है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैं रिकमेंड करूँगी कि हाथों पैरों पे कर लें इसको फेस पे भी कर सकते हैं उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट माय मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र इज डर मॉइस्चराइज़र जो कि जेनफ्रम ब्रांड का है इट्स सुपर सुपर अमेजिंग ये जो मॉइस्चराइज़र है ना अगर आप एक अच्छा मोशर्जा लेना चाहते हैं थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके तो ये आपको सेवन हंड्रेड तक आई थिंक मिल जाएगा सेवन टू एट का और ये त, वन सीज़न आपका चल जाएगा फोर टू फाइव मंथ सिक्स मंथ्स ये इजीली चलेगा अच्छी क्वांटिटी इसमें होती है और ये मैं आपको एक बात बता दूँ लॉन के सामने मैं बैठी हुई थी ये एक बात बता दूँ मेरी एक्नी वाली सिस्टर जिसकी स्किन के ऊपर एक्नी है उसने भी यूज़ किया है मेरी एक सिस्टर है उसकी स्किन बिल्कुल क्लियर है उसने यूज़ किया है मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है मैंने भी यूज़ किया है तो ये तीनों सिस्टर्स की स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से जो है ना ये वर्क किया है इसने ऑयल फ्री है ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्राई स्किन मैंने यही मॉइस्चराइज़र हम सब ने यूज़ किया है बहुत अच्छा है उसके अलावा एक इनका स्पेशल ड्राई स्किन वालों के लिए भी है आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं आई थिंक ऑयली वालों यही है और उस इस, इसके अंदर हंड्रेड एम है ये इनका ब्रांड नेम इधर सब कुछ जो है ये लिखा हुआ है तो मैं क्या बात करने लगी थी मैं भूल गई अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए तो गो फॉर इट तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने पहले जो मॉइस्चराइजर ही डर का यूज़ किया था ना वो क्रीमी टेक्स्चर में था बिल्कुल क्रीमी ने मिल्की टेक्स्चर में था जैसे दूध ने मतलब बॉटल में से थोड़ा सा थिक किया हुआ गिरता है उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत मज़े की थी और वो बहुत अच्छा था उसके बाद मैंने ये लिया था ये देखिए मैं दबा दबा के दिखा रही दिया बिल्कुल चुका है निकाल दी थी कि आपको टेक्स्टर दिखा दूँ लेकिन उसके अंदर है नहीं। उसके जो लिया था, वो जरा आया था क्रीमी टेक्सचर में और उसकी खुशबू जो थी वो थोड़ी मेडिकेटेड टाइप की थी फिर मैं शॉप वालों के पास की या उसकी कॉपी बन गई है क्योंकि अगर आप मेडिकल स्टोर से लें तो आई थिंक आपको ओरिजिनल मिलेगा या आप इनके वेबसाइट के पेज से लें और इस तरह की कॉपीज़ तो मार्केट में यू नो कि अब आती जाती रहती है कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए आपको तो मुझे दूसरी बॉटल से इतनी सैटिस्फेक्शन नहीं हुई थी जितनी की जो मिल्की कंसिस्टेंसी में था काफ़ी अच्छा था उसकी अगर क्रीमी कंसिस्टेंसी में हो तो आप मत लें दूसरा लें होप यू लाइक इट